आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। रिया और सुशांत के रिश्तों में अब व्हाट्सएप और एक बुक की एंट्री हो गई है जिसको शेयर किया गया है, जिसमें तमाम वो बातें जो कि रिया और सुशांत के रिश्तों को दर्शाती हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दोनों कितने क्लोज थे, और ये सारी चीजें रिया ने शेयर की। वहीं दूसरी तरफ सुशांत के पिता ने कहा है कि केस को ट्रांसफर ना किया जाए क्योंकि रिया कहीं ना कहीं जांच में अड़ंगा डाल सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं गवाहों को। तो सामने आई है रिया और सुशांत की व्हाट्सएप चैट, जिसमें जो बातें दोनों के बीच हुई थी उसको दिखाया गया है। राज को लेकर अब व्हाट्सएप मैसेज की एंट्री जो हुई है उसमें सबसे बड़ी खबर सुशांत के पिता को लेकर भी आ रही, क्योंकि पिता ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें रिया की याचिका ट्रांसफर को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। कहा यह है कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं रिया। और वहीं डायरी के ये पन्ने देख लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज भी जारी किए गए हैं जिसमें रिया की डायरी में सुशांत की लिखावट का दावा किया जा रहा है, जिससे वो रिया के परिवार को हर तरफ से शुक्रिया कह रहे हैं। ये नोटबुक है, देखिए क्या कुछ है रिया की इस डायरी में। मैं अपनी जिंदगी के लिए एहसानमंद हूं। सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ये बातें शेयर की जा रही हैं। लीलू, बेबू, सर, मैम, इस तरह के शब्दों का जिक्र है रिया के वकील की तरफ से। ये डायरी सामने आई है, मैं अपनी जिंदगी में सर के प्रति एहसानमंद हूं। सर यानी कि रिया के पिता को संबोधित किया गया। मैं अपने जीवन में लीलू यानी कि शोभित का आभारी हूं। मैं अपने जीवन में बेबू यानी कि रिया का जिक्र इसमें है, सभी का आभार व्यक्त किया गया है। रिया के पिता का भी इसमें जिक्र है, रिया की माँ का भी इसमें जिक्र है। अपने जीवन में आभारी हूँ, सभी का जिक्र करते हुए, सभी की बात लिखते हुए ये चीजें सामने आई हैं रिया के वकील के जरिए। सुशांत के व्हाट्सएप मैसेजेस भी जारी किए गए और मैसेजेस में दावा ये किया गया कि सुशांत अपनी बहन के बर्ताव से परेशान थे, ये दावे किए जा रहे हैं। मैं अपने जीवन में बीबू का आभारी हूं, सर यानी कि रिया के पिता का यहां पर जिक्र है, मैम यानी कि रिया की माँ का जिक्र है, सभी का आभारी हूं, ये बातें लिखी हुई हैं। दावा ये किया जा रहा है कि हैंडराइटिंग सुशांत की है, और रिया के वकील के हवाले से इस डायरी की अब एंट्री हुई है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। एक एक का जिक्र है जिसमें रिया, उनके भाई, पिता, माता, सभी की बातें लिखी हुई हैं। मुस्तफा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है, कितनी ऑथेंटिक है ये डायरी? आपका सवाल सुन नहीं पाया मैं। मुस्तफा, सीधा सा सवाल कि इस डायरी पर, इस डायरी के पन्नों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये रिया का पक्ष है, रिया ने जारी किया है, रिया के लॉयर के जरिए रिया की डायरी है जिसमें रिया का ये कहना है कि सुशांत ने उसमें लिखा है। तो हम ये तो इसे गलत या सही इस वक्त नहीं बता सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी जांच एजेंसी को इसका फैसला करना पड़ेगा। बट ये रिया का क्लेम है, रिया का साइड है। रिया ने एक कॉफी का जो सिपर आता है, फ्लास्क, उसका भी फोटो जारी किया है, ये कहते हुए कि सुशांत की सिर्फ यही एक चीज़ है जो मेरे पास है। कई रिया की सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है उसमें जो बातें मेंशन थी वो इस व्हाट्सएप जो चैट रिलीज की गई है उसमें दिक्कत नजर आती है कि किसी तरह का सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से सुशांत के साथ रहने वाले लोगों पर ये प्रेशर था कि वो रिया के अगेंस्ट में बयान दे। तो ये सारी चीजें जो है, एक कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि रिया अपनी साइड रखने की इस पूरे मामले में कोशिश कर रही है। क्या ये सही है या गलत है, वेरीफाइड है या नहीं, ये जो जांच एजेंसी इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसे इस चीज की कॉग्निजेंस लेकर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अब ये भी जरा समझाइए, क्योंकि ये तो नोटबुक के पन्ने हैं जो लगातार दिखा रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस में क्या बताने की कोशिश रिया की तरफ से की जा रही है? जी, व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रिया ने सुशांत के साथ जो बातें हुई हैं उसका जिक्र करते हुए ये मैसेजेस, वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने रिलीज किए हैं। और इसमें जिस इंसिडेंट की बात हो रही है, क्योंकि सभी जो लोग हैं उनका निकनेम लिया जा रहा है, इसीलिए ये समझना मुश्किल है कि किसका बेसिकली क्या चीज़ आरोप है और किस चीज़ की ये है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि पूरा कुल मिलाकर रिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि प्रेशर उन लोगों पे था जो सुशांत के साथ रहते, कि किसी
चीज को लेकर सुशांत के घर वाले खुश नहीं थे, क्योंकि ये सारी चीजों को लेकर के उन्होंने उस रेफरेंस में ये मैसेज जारी किया और ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है शायद रिया कि वो सुशांत उनके ज्यादा नजदीक थे अपने आखिरी कुछ दिनों में और अपने परिवार के नहीं, ऐसा बताने की। उस नोटबुक में जिन जिन का जिक्र किया है, क्योंकि चार नामों का जिक्र इसमें किया गया जिसमें लिखा है आभार व्यक्त करता हूँ, उसमें किस किस का नाम है, किसको संबोधित किया जा रहा है? जी, शौभिक करके जो दोस्त हैं वो आप कह सकते हैं उनका एक जिक्र है, रिया का खुद का जिक्र है, रिया के जो माता पिता हैं और सुशांत सिंह राजपूत के जो पेट थे, एक डॉग है जो उनका, उनका जिक्र है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो बातें पिछली कुछ दिनों में सामने आई थी कि किसी तरह का ट्रीटमेंट सुशांत ले रहे थे, और अक्सर एक्से रिहेबिलिटेशन में लोगों को ये कहा जाता है कि आप जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं उसका आप शुक्रिया अदा करें, तो उसके चलते शायद ये लिखा गया हो कभी, क्योंकि रिया की तरफ से इस चीज़ की डेट नहीं रिलीज़ की गई है कि सुशांत ने ये जो लिखा है नोटबुक में, अगर उन्होंने लिखा है तो ये कब लिखा है, तो ये सारे जो डिटेल्स हैं ये अभी तक स्पेसिफिक हमारे पास नहीं है, लेकिन एक तरह से जो मैसेज रिया अपनी तरफ से देना चाहती है वो हम समझ पा सकते हैं कि वो किस तरह से ये कहना चाहती है कि सुशांत सिंह उनके साथ खुश थे, ये दिखाने की कोशिश रिया की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात आती है, देखिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर द लव इन माई लाइफ, ये बातें, हालांकि ये कितनी ऑथेंटिक है, इस पर कितना यकीन किया जा सकता है, क्या वाकई ये हैंड राइटिंग सुशांत की थी, क्या वाकई उनकी तरफ से लिखा गया था, या खुद को बचाने के लिए रिया ने ये सारी चीज़ें आगे रखी हैं, नोटबुक हो या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस हो, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन इस बीच रिया के वकील के जरिए जो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं रिया भी अब सुशांत के परिवार पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। बट इस बीच ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ये पहली बात हैंडराइटिंग सुशांत की थी, दूसरा क्या लिखा गया था, लिखवाया गया था, इस पर भी अब सवाल उठेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें अब जांच के बाद ही पता चलेंगी। तो एक नोटबुक और दूसरा व्हाट्सएप मैसेजेस, ये दोनों चीजें रिया के वकील के हवाले से सामने आई हैं, हालांकि मामला अभी कोर्ट में भी है, ईडी जांच भी कर रही है अलग से, जिसमें हमने आपको दिखाया था किसे पूछताछ कल रिया से भी हुई थी, सीबीआई के हवाले ये जांच है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसमें बड़ी बात ये है कि जो आरोप सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे थे कि रिया ने सुशांत को अपने वश में कर रखा था, सिर्फ पैसे पर उसकी नजर थी, ये बात जो लिखावट, ठीक है वो जांच का विषय है, जो बातें लिखी हुई है उसमें सीधा सीधा सुशांत की बहन पर भी आरोप रिया की तरफ से लग रहे हैं। पेटिशन रिया की देखें तो उसमें खुले तौर पर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर यह आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से प्रेशर था उन लोगों के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहते थे, और उन लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप रिया के खिलाफ गवाही दे, स्टेटमेंट दे। ये बात खुद रिया चक्रवर्ती ने उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है, जो याचिका है, उसमें ये बात मेंशन की है। तो इसमें कोई नई बात नहीं हम बता रहे हैं, तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं उसके सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो रिया चक्रवर्ती इस वक्त रिलीज कर रही है कि किस किस तरीके से कहां कहां ये सिग्नल्स मिले उन लोगों को कि ये कुछ किसी ना किसी तरीके का प्रेशर सुशांत की तरफ से, सुशांत के परिवार की तरफ से इनके रिलेशनशिप तोड़ने के लिए या रिया के खिलाफ लगाया जा रहा था। एक बार हम फिर कहते हैं कि ये रिया का साइड है, रिया का ऐसा कहना है कि ये चीजें हुई थी और इसी के रेफरेंस में उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेजेस रिलीज किए। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप इस नोटबुक और उस व्हाट्सएप मैसेजेस की डिटेल्स पर गौर करें तो जाहिर सी बात है कि रिया अपने पक्ष में ये सारी चीजें रख रही हैं और एक एविडेंस के तौर पर रिया इसको पेश करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पर यकीन कितना किया जाएगा, वो अलग से जांच का विषय है। तो क्या कुछ है इसमें बेबू, जो कि रिया चक्रवर्ती को संबोधित किया गया, उसमें कहा है, मैं अपनी जिंदगी में बेबू के प्रति एहसानमंद हूँ। रिया की नोटबुक को अगर डिकोड करें तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। उनके पिता को भी सर कहकर संबोधित किया गया, मैं अपनी जिंदगी के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैम के प्रति एहसानमंद हूँ, मैम यानी कि रिया की माँ का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, और रिया के भाई का भी जिक्र है, लीलू का जिक्र है, जिसमें उन्होंने उसको भी कहा है कि मैं लीलू के प्रति एहसानमंद हूँ। ये सारी चीजें रिया की नोटबुक को अगर डिकोड किया जाए तो उसमें ये बातें सामने आई हैं। रिया कह रही है कि ये डायरी उनके पास है और ये सब कुछ सुशांत ने लिखा था, व्हाट्सएप मैसेजेस जो उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी उसका जिक्र किया है, और रिया ये सारी चीजें अपनी सपोर्ट में रख रही हैं, जो कि
खबर ये भी आ रही है कि उनके वकील के जरिए बात सामने आई है, ये चाहे नोटबुक हो या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस हो, तो जाहिर सी बात है कि इनको कोर्ट में रखा जाएगा, लेकिन अलग से ये जांच का विषय होगा। एक और चीज जो खास बात है कि जो आरोप लगातार रिया पर सुशांत का परिवार लगा रहा था कि रिया की नजर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर थी, क्योंकि जो हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया गया उसमें ये बातें भी आई हैं कि दवाइयों का ओवरडोज दिया गया था या पैसे पर नजर थी। इसी को लेकर रिया ये कह रही हैं कि जो बातें व्हाट्सएप के जरिए सुशांत और रिया के बीच में एक्सचेंज हुई थी, जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, उसमें से ये भी बात निकल कर सामने आ रही है रिया के हवाले से कि सुशांत का परिवार रिया और सुशांत को अलग करना चाहता था, आरोप उनकी बहन पर लगा रही है। ये रिया के हवाले से खबरें आ रही हैं। वहीं अगर नोटबुक को डिकोड कर दिया जाए तो उसमें सभी का, परिवार के हर सदस्य का वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। ये नोटबुक के को डिकोड करके पता चलता है, नोटबुक के हवाले से ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो रिया और सुशांत के रिश्तों पर अब इस नोटबुक और व्हाट्सएप मैसेजेस की एंट्री हो गई है। तो रिया चक्रवर्ती बेबू कहकर उनको संबोधित किया गया, जिंदगी के लिए बेबू के प्रति एहसानमंद हूं, सर कहकर उनके पिता को संबोधित किया गया है, मैम कहकर उनकी माँ का शुक्रिया कहा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बयान एक बार फिर से सीबीआई दर्ज करेगी, उनसे बातचीत करेगी। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय क्या अपडेट? इसी बीच जो सुशांत सिंह हलफनामा दाखिल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में उन्होंने साफ कहा है कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है, और उसमें ये कहा कि रिया चक्रवर्ती ने गवाहों को प्रभावित करना शुरू किया, साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ पैठानी उनके ऊपर प्रेशर माउंट किया है और उन्हें अपना बयान बदलने को मजबूर किया, उन्हें अपनी तरफ से जो वो चाहते हैं वो बयान दलवा रहे हैं। लिहाजा इस मामले की सीबीआई से इसकी जाँच कराना जरूरी है, क्योंकि ऐसे चीजें सामने नहीं आ सकती हैं। और ऐसे में 11 अगस्त को इस मामले में सुनवाई तय है, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अदालत में इस मामले में सुनवाई होगी, और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में उन्हें भी जवाब दाखिल कर रहे हैं, और साथ ही अब तक जो जांच में प्रगति हुई है उसकी उसका एक सीलबंद रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। फिलहाल इस मामले में रोजाना नई नई चीजें जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उनको भी पूछताछ में बहुत सारी क्रूशियल ऐसी चीजें हाथ लग गई, पता चली है। बड़ी बात ईडी ने जो कहा है। संजय लौटते हैं आपके पास, मुनीश जुड़ चुके हैं, क्योंकि ईडी पर ही जरा मुनीश से जवाब ले लेते हैं। मुनीश, बहुत सारी ऐसी क्रूशियल चीजें ईडी को भी पता लगी हैं, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए नवजोत, कल जब ईडी ने रिया से पूरे दिन पूछताछ की तो उसमें जो जानकारी निकल कर सामने आई वो काफी अहम है, लेकिन ईडी का यह भी कहना है कि जो सारी बातें हैं कि जो पैसे का लेन देन लेकर है उनको लेकर जब रिया से पूछताछ की गई तो हालांकि उन्होंने उसके कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने सामने नहीं दिए। उसके बाद उनके सामने सुशांत सिंह राजपूत का बैंक स्टेटमेंट दिखाया गया कि यहाँ से ये पैसे आपके अकाउंट में जा रहे थे, तो उनका कहना था कि इन सब के बारे में सुशांत को जानकारी थी। तो ईडी का कहना है कि अभी वो रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, कंपनियों को लेकर भी वो सही जवाब नहीं दे पा रही हैं, और ऐसा लग रहा है ईडी को बहुत कुछ छुपा रही हैं वो। इसीलिए अब काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि ईडी बाकी के लोगों का बयान दर्ज करे, सिद्धार्थ पिटानी जिसकी आप बात कर रहे थे उनका बयान आज दर्ज होना है, हालांकि अभी तक वो ईडी के दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर इस वक्त है वो सीबीआई की तरफ से आ रही है, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले में बिहार पुलिस से सारे कागजात ले लिए हैं, लेकिन सीबीआई वहीं दूसरी तरफ जो सुशांत के पिता हैं उनका एक बार फिर से बयान दर्ज करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार पुलिस ने जो बयान दर्ज किया था उसे एक बार फिर से वेरीफाई करना जरूरी है। उसके अलावा जो पुलिस वाले मुनीश लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर जरा दिखा दे दर्शकों को, क्योंकि कल जिस वक्त रिया पहुंची थी ईडी के दफ्तर, 12 बजे का ही वक्त था जिस वक्त ईडी के दफ्तर पहुंची थी रिया, देखिए पत्रकारों के सवालों से बचती कैसे नजर आई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।